साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और सीएम से भी समय मांगे। सुबह हम मुकेश जी से भी बातचीत किए, बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं, सीएम साहब तक कोई बात अब नहीं जा पा रही है। अरे फोन माइक लगा रहा यार। और हमने एडीजे गंगवार साहब से कहा है कि स्पीडी एसआईटी जांच उन्होंने कही है कि, और हम लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग 48 घंटे के अंदर लुक आफ्टर कर लेंगे। और मुझको लगता है कि मैंने उस दोनों बच्चों के बारे में भी जिक्र किया इसको भी, और पटना दानापुर दोनों अपराध मुक्त कैसे हो उस पर भी मैंने किया, और उनसे मैंने ये भी चर्चा की कि लगभग जिले में जमीन माफिया, कारोबारी शराब और ड्रग्स माफिया का इन्वॉल्वमेशन थाना और वहाँ के लोकल नेताओं के साथ, मंत्री एमएलए एमपी के साथ रहता है। तो ये जो नेक्सस है ये सरकार के इकबाल को खत्म कर रहा है, ये बात मैंने उनसे स्पष्ट कही। लेकिन मैं इतना आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भगवान भरोसे है, अपराधी माफिया नेता ही जब सब कुछ में इन्वॉल्व हों और थाना लगभग सारे गोरख धंधों में, आप उठा के देख लीजिए जिस नेता परिवार का आप उठाएंगे सबका टेंडर में सभी धंधों में इन्वॉल्व है, नाम से रजिस्ट्रेशन है, परिवार के मंत्री एमएलए एमपी के परिवार के नाम से रजिस्ट्रेशन है, जमीन का कारोबार करता है, तो आप कैसे बचाइएगा जरा आप हमको बता दीजिए। तो ये छोटी घटना नहीं है, इतनी बड़ी 200 बच्चियों का शारीरिक शोषण हुआ मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर, कुछ हुआ? और लगातार पटना और दरभंगा में हत्या हो रही है, तो भैया कहाँ है? हम जंगल राज की बात और राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन जंगल राज की बात होती ही है, लोग जंगल राज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे देखें? देखिए मैं विपक्ष की राजनीति की तरह काम नहीं करूंगा, विपक्ष को के भी एमएलए एमपी तो इन्वॉल्व हैं, बालू में शराब में ड्रग्स में सभी लोग इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि एक लोग इन्वॉल्व है। किस बात का आप बोलते हैं भाई? आप सारे माफियाओं को टिकट ला करके देते हैं, और आप भी बोलिएगा सुबह बाजे तो बाजे चलनियों बाजे, आप कौन सा ईमानदार है? बात सही है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, स्थिति अच्छी नहीं है, और नीतीश कुमार जी का इकबाल जो था वो चौथे बार में वो देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें शासन प्रशासन कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार जी तक बातें नहीं पहुंच रही। लेकिन आपने एडीजी साहब से मुलाकात किया, क्या कुछ आश्वासन मिला? एडीजी साहब ने कहा कि 48 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा और एसपीडी ट्रायल करेंगे और